अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो पुराना नाम था वो था बैलेंस शीट, लेकिन अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी जो अब चेंज हो गई है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले प्रॉपर हेडिंग डालते हैं। हेडिंग में तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहले ओनर या बिजनेस का जो नाम होता है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके बाद डेट डालेंगे एज एट। यार जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो अगर आपने शायद ये नोटिस किया हो, इनकम स्टेटमेंट में हम डेट डालते हैं फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर। और बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एट। सवाल ये आता है ये क्या कोई शशकें हैं या इसमें कोई वाकई में इम्पॉर्टेंट कोई बात है? इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो एक पीरियड से बिलोंग करती है। फॉर द ईयर का मतलब इनकम स्टेटमेंट या तो एक पीरियड की होगी, मतलब एक महीने की या एक क्वार्टर की या छः महीने की या पूरे साल की। तो जो प्रॉफिट या इनकम होती है फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट, इस साल का इनकम। बैलेंस शीट में यार क्या चीज़ आती है? तीन चीज़ें आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो एसेट, लाइबिलिटी या कैपिटल कभी भी फॉर द ईयर नहीं होते, बल्कि एज एट होते हैं आज। क्या होते हैं? आज। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। बात यह है, कोई आपसे पूछता है यार आपकी इनकम कितनी है एक महीने की, या कोई आपसे पूछता है आप एक साल में कितना कमा लेते हैं, आप एक क्वार्टर में कितना कमा लेते हैं, ये एक अलग सवाल है। कोई आपसे ये पूछता है ये बताओ आज आपके पास क्या क्या है, आज आपके पास कौन सी गाड़ी है, आज आपके पास कौन सा घर है, आज आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा ये बताओ एक साल में तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, ये नहीं पूछेगा। बोलेगा ये बताओ आज तुम्हारे पास क्या कौन सी गाड़ी है। कोई ये नहीं पूछेगा बताओ एक साल में तुम्हारे पास बैंक में कितना पैसा आया। कोई पूछेगा तुमसे कि ये बताओ आज तुम्हारे पास बैंक में बैलेंस कितना है। तो हमेशा एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल स्नैपशॉट ऑफ अ पॉइंट इन टाइम। एसेट, लाइबिलिटी या कैपिटल का हम स्नैपशॉट लेते हैं, जैसे मोबाइल से स्नैपशॉट लेते हैं ना, आज की पोजीशन क्या है। ऐसे ही बैलेंस शीट क्या चीज है? बिजनेस का स्नैपशॉट है। किस चीज का स्नैपशॉट है भाई? बिजनेस के एसेट्स आज कितने हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज आज कितनी है और बिजनेस का कैपिटल आज कितना है। तो याद रखें इनकम स्टेटमेंट में हमेशा हेडिंग डालेंगे फॉर द ईयर और बैलेंस शीट में हेडिंग डालेंगे एज एट। बैलेंस शीट जो है अगर हम विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं अभी तो हम वो बनाएंगे टू कॉलम्स, सही, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं होती। तो सिंपल रखने के लिए हम इसको क्या बनाते हैं? टू कॉलम्स। जब हम आगे देखेंगे बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाएंगे विद एडजस्टमेंट वाले सवाल में, जिसमें एडजस्टमेंट भी होंगी, उसके अंदर हम बनाएंगे थ्री कॉलम्स। तो यहाँ पे हम सिंपल रखने के लिए टू कॉलम्स स्टार्ट करेंगे। यार सबसे पहले एसेट्स से। एसेट्स आपको पता है बिजनेस में जो कुछ भी है वो बिजनेस के एसेट्स हैं, बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं। दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? वो लिखेंगे सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, जैसा कि आ गया लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। अच्छा ये जो सीक्वेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका ख्याल रखें। ये जो सीक्वेंस है मैंने लिखा है ऑर्डर बाय लाइफ या एज। वो एसेट्स जिनकी लाइफ ज़्यादा है वो पहले लिखेंगे, वो नॉन करंट एसेट्स जिनकी लाइफ कम है उनको बाद में लिखेंगे। जैसे इस सवाल में अगर आप देखें, इस एग्जांपल में लैंड, जमीन की तो अनलिमिटेड लाइफ होती है वो पहले, उसके बाद बिल्डिंग की लाइफ उससे थोड़ी कम होती है, इक्विपमेंट की उससे कम, और मोटर व्हीकल होगा तो वो बिल्डिंग के बाद आ जाएगा, सही है ना। अच्छा ये नॉन करंट एसेट्स की जो सीक्वेंस है ये अगर आप करें तो अच्छा है, लेकिन अगर ना करें तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो ये समझ लें ये नफिल की तरह है, कर लें तो सवाब है और अगर ना करें तो जो है वो कोई गुनाह नहीं है एग्जाम में। आगे बात कर लें जी, वो है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको पता है वो एसेट्स होते हैं जिनका टेम्प्ररी नेचर होता है, जो क्या होता है, फ्लक्चुएट होते हैं। तो करंट एसेट्स में या तो कैश बैंक आता है या तो वो चीज़ आती है जो कैश बैंक में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जिसका पुराना नाम क्या था? स्टॉक। ये वो गुड्स हैं जो हमने रीसेल के लिए खरीदी हैं, ये हमारे लिए क्या है? करंट एसेट। सेकेंड है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल जिसका पुराना नाम था डेटर्स, लेकिन नया नाम हम यूज़ करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हमारे वो कस्टमर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं, अब हम उनसे पैसे वापस मांग रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या एसेट है? हर वो चीज़ जिससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा वो हमारे लिए क्या है? एसेट। ऐसे ही बैंक है, बैंक बैलेंस, और उसके बाद है हमारे पास कैश। ये जो सीक्वेंस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। समझ लें वो नफिल है तो ये वाजिब है, सही है ना। ये ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा एग्जामिनर देखता है। ओ लेवल में समझ लें वाजिब है, लेकिन एस लेवल की अगर हम बात करें बैलेंस शीट तो ये फ़र्ज बन जाता है, सही, एस लेवल में। अगर ये आपने आगे पीछे किया तो वो उसके मार्क्स काट लेता है कौन? एग्जामिनर, सही। तो वहाँ पे उसको वाजिब का दर्जा दिया गया, फर्ज का दर्जा दिया गया। अच्छा अब ये सीक्वेंस क्या है भाई? ये है ऑर्डर बाय लिक्विडिटी।
क्या है भाई, ऑर्डर बाय लिक्विडिटी। रट्टा नहीं लगाना इसका, आप ये याद रखें सीक्वेंस क्या, ऑर्डर बाय लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है इन्वेंट्री को बिकने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है तो वो सबसे पहले आएगा, सही। लीस्ट लिक्विड से मोस्ट लिक्विड की तरफ जाएंगे। इन्वेंट्री से कम टाइम लगता है डेटर्स से पैसे निकलवाने में, उससे कम टाइम लगता है बैंक से जाके पैसे निकलवाने में, उससे कम टाइम लगता है जेब से पैसे निकालने में। अरे बस तो ये जो सीक्वेंस है इसको हमें फॉलो करना है, ऑर्डर बाय लिक्विडिटी, और ये डिक्रीजिंग लिक्विडिटी आप हमेशा फॉलो करेंगे, डिक्रीजिंग, सही है ना। सबसे पहले इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर बैंक कैश। करंट एसेट्स को हमने ऐड किया, पहले नॉन करंट एसेट्स को टोटल किया था, फिर करंट एसेट। नॉन करंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में नॉन करंट भी आ गए और करंट भी आ गए, लेकिन ये सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है, हमेशा पहले नॉन करंट लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे। उसके बाद टोटल एसेट्स के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। क्या चीज़ है जी, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब इसमें दो चीज़ें, एक कैपिटल है और एक लाइबिलिटी। कैपिटल आपको पता है बिजनेस में जो कुछ ओनर से बिलोंग करता है वो कैपिटल है। कैपिटल कैसे आएगा भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल, या ट्रायल बैलेंस जो आपने बनाया उसमें ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ होगा, आपको एग्जाम में बनाना नहीं होगा, सही ना। इनकम स्टेटमेंट वाला जो सवाल होगा, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट, उसमें ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी गिवन होगा। वो जो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा उसमें जब भी कैपिटल गिवन होगा वो हमेशा ओपनिंग होगा। हमेशा कैसा होगा, ओपनिंग। क्लोजिंग कभी भी गिवन नहीं होता, वो हमें खुद निकालना होता। ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको पता है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, याद है आपने पढ़ा था, सही, बेसिक्स में। प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, अगर लॉस फॉर द ईयर है तो वो क्या कर देंगे, माइनस। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर आया कहां से, ये इनकम स्टेटमेंट से आया, जो हमने पहले डिस्कस की इससे पहले, इनकम स्टेटमेंट, सही, जिसका पुराना नाम था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन नया नाम हम यूज करते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आ गया, लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स। आपको पता है ड्रॉइंग्स से कैपिटल कम होता है, तो ड्रॉइंग्स क्या कर देंगे, माइनस। यार ये देखो, ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग, तो ये जो फाइनल आंसर आया ये एक्चुअली है क्लोजिंग कैपिटल। क्या चीज है, क्लोजिंग, लेकिन हम ये लिखते नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है, ये क्लोजिंग आया। ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट या लॉस माइनस करेंगे, लेस ड्रॉइंग क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमने लिख दिया लास्ट कॉलम में, ये हमारे काम का है क्लोजिंग कैपिटल। हेडिंग क्या डालिए, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। क्या हेडिंग डालिए, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। कैपिटल के बाद आ जाए लाइबिलिटी। यार जैसे नॉन करंट एसेट हमने पहले कौन से लिए थे भाई, पहले एसेट्स नॉन करंट लिए थे, बाद में करंट लिए थे ना, बिल्कुल ऐसे ही पहले नॉन करंट लाइबिलिटी लेंगे बाद में करंट लेंगे, सही। इसके ऊपर फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एग्जामिनर को नाराज नहीं करना, सही। एग्जामिनर जो है वो इसके ऊपर मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट कर सकता है। तो नया जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का, उसमें पहले आएगी हमेशा नॉन करंट लाइबिलिटी। या नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब ये वो लोन है जो एक साल के बाद पे हो। कौन सा लोन है भाई, जो एक साल के बाद पे हो, नॉन करंट लाइबिलिटी, सही, जिसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते थे पहले, लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन हो गया या कोई अदर लोन हो गया तो ये क्या कहलाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, सही। बाद अगर लोन की परसेंटेज भी एग्जाम में गिवन होती है 5% लोन, तो अगर परसेंटेज भी गिवन है तो यहाँ पे हम परसेंटेज भी शो करेंगे। और ईयर भी गिवन होता है बाजों का 2020, इसका मतलब ये 2020 में लोन क्या होगा, रीपे होगा। तो हम दोनों चीज़ें शो करेंगे, परसेंटेज 5% बैंक लोन 2020 पूरा शो करेंगे, सही है। ये नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई। उसके बाद आखिरी में क्या आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी यार वो लाइबिलिटी है जो एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, पे ऑफ हो जाएगी। क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आ गया सबसे पहले ट्रेड पेबल्स, सही है। ट्रेड पेबल जिसका पुराना नाम था क्रेडिटर, ये हमारे वो सप्लायर हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदी हैं। अब हमारी एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है कि हमें उनको पैसे क्या करने, वापस करने। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रेड पेबल। उसके बाद आएगा बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है यार, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं हमने उससे ज़्यादा पैसे निकलवा लिए। सवाल ये आता है जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा निकलवा सकते हो, सही, वैसे तो नहीं निकलवा सकते। अगर ATM बैलेंस शो कर रहा है 5000, आपने डाल दिया 10000 निकाल दो, क्या बोलेगा ATM XYZ, बोलेगा, बोलेगा भाई क्या हो गया, तबीयत तो सही है, पैसे हैं नहीं, कैसे निकाल लो। अच्छा अगर आपने चेक लिखा, सही, 6000 का और बैंक में पड़े हुए 5000, चेक बाउंस हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है अगर आपकी मैनेजर से सलाम दुआ अच्छी है, सही, वो आपको जानता है, आपके वालिद को जानता है, तो आप उससे पहले ही जाके बात कर लें और मैनेजर को बोलें भाई मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए। क्या चाहिए, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, एक फैसिलिटी है जो बैंक आपको देगा, और आपके अकाउंट में 5000 है और आप 6000 निकाल सकते हैं। इसका मतलब अब आपको 1000 बैंक को क्या करना है, वापस करना है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये कहाँ पे आएगा, करंट लाइबिलिटी।
ट्रायल बैलेंस में बैंक अगर डेबिट पे दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, बैंक बैलेंस इधर आएगा, और अगर ट्रायल बैलेंस में बैंक के आगे दिया हुआ है सीआर क्रेडिट, मतलब ये बैंक क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, ठीक, क्रेडिट होगा। करंट लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे। अच्छा अब ये देखें, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, क्या आ जाएगा जी, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी, इन तीनों को ऐड करना है, किसको भाई, कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, इन तीनों का टोटल क्या आ गया, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी। देखो जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस कब होगी, जब ये टोटल एसेट्स बराबर आए किसके, टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। यार अगर आप याद करें, ये आपने बचपन में एक पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन, पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओ भाई एसेट्स साइड बराबर आनी चाहिए किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हैं बिजनेस के रिसोर्सेज, बिजनेस में जो कुछ भी है वो बिजनेस के एसेट्स हैं, और वो एसेट्स आ कहाँ से रहे, या लाइबिलिटी से आ रहे होंगे या कैपिटल से आ रहे होंगे। बिजनेस में जो कुछ है वो बिजनेस के एसेट्स हैं, और वो आ कहाँ से रहे हैं, या तो लाइबिलिटी से आ रहे हैं, लोन लिया है, या अपना पैसा लगा हुआ है कैपिटल। तो हमेशा भाई बैलेंस शीट जब बैलेंस होगी तो एसेट साइड बराबर आएगी किसके, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। तो ये बन गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, बनी नहीं है अभी, हमने सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस किया है, इंशाल्लाह आगे इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं।